महाराष्ट्रात राहून मराठी आमची ही भाषा स्टेटची भाषा आणि माय मदर इज महाराष्ट्रन सो इट्स पार्ट ऑफ माय इट इज माय मदर टंग तर फारच चांगलं वाटतं की आज भरपूर वर्षांनंतर मी ह्या अवॉर्ड सेरेमनीसाठी आलो कारण जेव्हाही अवॉर्ड सेरेमनीज होतात स्पेशली मिर्ची तर माझा त्या दिवशी शो असतो एक दोन वर्षापूर्वी हाच अवॉर्ड पुण्यात झालेला आणि तेव्हा पण रेडिओ मिर्चीने मला फोन केलेला आणि माझा त्या दिवशी शो होता सो आय एम हॅपी टू बी हिअर अँड अवेलेबल इन द सिटी टू कम अँड वॉच अँड प्रेझेंट अन अवॉर्ड अजय अतुल सारखे सुपर कंपोजर्स आणि नवीन काही जी लोकं आली आहेत तो एक बेंचमार्क अजय अतुलनी जो एवढा वर केला आहे त्याला त्यांनी इन्स्पायर होऊन आज जो म्युझिक लेवल आहे तो हिंदी फिल्मपेक्षा काही कमी नाहीच आहे तो ॲट पार आहे आणि ह्या रिवायवलसाठी आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की सावरखेड एक गावनी हे सगळं सुरू केलं अजय अतुलची एंट्री झाली मराठी म्युझिकमध्ये माझी एंट्री झाली आणि त्याच्यानंतर बोथ ऑफ अस वर ब्लेस्ड ॲज अ टीम टू वर्क अँड डू सच गुड म्युझिक देर आर न्यू कंपोजर्स टुडे हू आर डुईंग व्हेरी गुड वर्क आय हॅव वर्क विथ अ फ्यू अँड आय वॉज अमेझ्ड ॲट द क्वालिटी ऑफ म्युझिक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन आणि ट्यून्स तर आय एम एक्स्ट्रीमली एक्साइटेड अँड लुक फॉरवर्ड टू दिस इव्हनिंग मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स हैं अभी पिछले महीने हुए थे यहाँ हिंदी थे और आज मराठी अवार्ड्स है बहुत खुशी है मैं दोनों तरफ का हूँ लेकिन मराठी इंडस्ट्री है तो मराठी अवार्ड्स से बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे आज ही खबर आई है कि अमित जी बीमार है तो मैं उनको बोलूँगा अमित जी जल्दी ठीक होके वी नीड यू बैक इन एक्शन अजी बादशाह की देख रहे तो सही चलो शुरू हो जाओ भाई 1 2 1 2 3 4 रूप तेरा सोना सोना सोन तेरी पायल हे छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल हे कह रहा आँखों का काजल इश्क में जीना मरना एवरीबॉडी शावा शावा माहिया से शावा शावा ये नाही असे काय आम्ही इतके बिझी असतो की खूप आराम करतो म्हणजे बिझी नसलो तरी बिझी असतो पण अशा फंक्शन्समध्ये भेटतो की आणि मग ते आमचं कधी कधी प्रेम उफाळून येतो आणि सुरेशजी भेटलं तर नॅचरली खूप बरं वाटलं थँक्यू शॉर्ट चाहिए एक सेकंड हम विजुअल चाहिए
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हमने तो अपने रिजल्ट दिए हुए हैं, अभी अल्टीमेटली सबका मिलके क्या होने वाला है वो तो अभी हम सबके सामने अनाउंस होगा और बड़े एक्साइटेड हैं हम लोग कौन जीतेगा और हमने जिसको वोट किया है वो जीत रहा है कि नहीं, ये भी छुपा के रखा हुआ है ना हम लोग। म्यूज़िक तो चेंज हो ही रहा है और बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त कंपटीशन है आपस में ही और उम्मीद है कि हमारी जो अभी इस वक्त इंडस्ट्री की जो हमारी जो प्रोग्रेस हो रही है मराठी इंडस्ट्री की वो बहुत ही नज़र लगने जैसी है और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बराबर हिंदी के साथ कंपटीशन हो जाए तो मज़ा आ जाए। एक फिल्म से कुछ नहीं होता, एक फिल्म से कुछ नहीं होता। अभी जैसे हमारे पूरी इंडस्ट्री में साल की 1000 फिल्म बनती है उसमें से 4 चले तो कोई रेशो ठीक नहीं है ना, तो हमको ये चाहिए कि सबका आशीर्वाद मिले, सबकी दुआएं मिले तो ये पूरी इंडस्ट्री हिंदी कहिए मराठी कहिए ये जितनी भी लैंग्वेजेस है ये बहुत पनपे, जिसके लिए दुआओं की बहुत ज़रूरत है और अपनी ज़मीन को जो याद रखेगा वो बहुत प्रोग्रेस करेगा। थँक्यू। जास्त सुखावत नाही आहे कारण आपण मेलोडी विसरतोय जरा, आपण जास्त ऑर्केस्ट्रेशनकडं आणि साऊंड्सकडं लक्ष आहे। जर तुम्हाला साऊंडच रिकॉर्ड करायचं असेल तर लिरिक्सची गरज नाही आहे, तुम्ही फक्त साऊंडच रिकॉर्ड करून किंवा बॅकग्राऊंड चांगलं करा। जर तुम्ही गाणं देताय तर ते गाणं गाण्यासारखं वाटलं पाहिजे आणि गाणं म्हटलं तर मेलोडी हा आत्मा असतो गाण्याचा, तुम्ही मेलोडियस काम करू शकत नसाल तर तुम्ही काम करू नका, कारण तुम्हाला आजच्या पुरतं नाही आहे, आज से 40 साल बाद भी तुम्हारा गाणं बजना चाहिए। तब खूप महत्त्वाची आहे आणि आमच्या जनरेशनपर्यंत रादर आत्ताची पण जनरेशन मी सगळ्यांना बघतो, खूप मैत्री आहे त्यांच्यामध्ये आणि सगळे भेटत असतात कारण माझा स्टुडिओ आहे तिथं खाली, हे सगळे भेटत असतात तर आम्हीही तसंच भेटतो, सुदेश म्हणा, पंकज उदास म्हणा, मनोहर म्हणा किंवा शैलेंद्र सिंग आहे, आमचा हरिहरन आहे, नितीन मुकेश आहे, आम्ही सगळे मधनामधनं भेटत असतो। थँक्यू थँक्यू, धन्यवाद। बिल्कुल, ये तो सिलसिला चलता रहेगा, अभी ये तो हमारा 18वां साल था तो हर साल हम एक बड़े बुजुर्ग का हम लोग सत्कार करते हैं तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी हुआ ना हम लोगों ने 100 ईयर्स हमारे, अभी ये साल भी 100 ईयर है हमारे, 100वें साल में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होंगे, प्रोग्राम्स की एक्चुअली तो हमारा कंप्लीट हो गया है, गुरुजी का 100th ईयर अभी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।
Thank you.
Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, आपकी फिल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।